हाय एवरीवन, मैं मयंक पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को फ्री कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिस क्रम में मैं आप लोगों को एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एमएस वर्ड की क्लासेस दे रहा हूं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत स्टार्टिंग के दो टैब्स मैंने पढ़ाए थे, रिवन के अंतर्गत आने वाले पेजेस टैब एंड टेबल्स टैब, जिसमें मैंने कंप्लीट नॉलेज दिया हुआ है और टेबल्स को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड सभी नॉलेज मैंने दिया हुआ है। तो जिसने भी वीडियो ना देखी हो पिछली, वो जरूर देख ले। और आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक है एलुस्ट्रेशन टैब को हम आज बताएंगे आप लोगों को। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आने वाला एलुस्ट्रेशन टैब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखेंगे तो कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यदि आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास तो उन्हें भी कंप्यूटर कोर्सेज की फ्री क्लासेस प्राप्त हो पाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंसर्ट मेनू रिबन के अंतर्गत एलुस्ट्रेशन टैब को। और आप देख पा रहे हैं इलस्ट्रेशन टैब के अंतर्गत कई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। इलस्ट्रेशन मतलब होता है चित्रण, तो यहाँ हम पिक्चर्स से रिलेटेड वर्क, शेप से रिलेटेड, स्मार्ट आर्ट चार्ट, इन सबसे रिलेटेड वर्क उसको करेंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट मेन्यू रिबन आएगा उसको भी हम डीपली समझेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले ऑप्शन पर हम चलते हैं, पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं। और पिक्चर्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में किसी भी डेस्टिनेशन में यदि पिक्चर फाइल है, इमेज रिलेटेड कोई भी फाइल है, तो उसको आप वहां से ला सकते हैं। तो हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहां से हम पिक्चर को जाकर के इंसर्ट कराएंगे। अगर हम देखें तो ये यहां से आपको वॉलपेपर पिक्चर्स में भी जाएं तो यहां पर भी कई सारे वॉलपेपर्स हैं, कई सारे पिक्चर्स आपको मिल रहे हैं। यहां पर डबल क्लिक करेंगे और कोई भी पिक्चर हम यहां से ले सकते हैं। जैसे हमने इस टाइगर वाले पिक्चर को ले लिया और यहां से हमने इंसर्ट करा, आप देख पा रहे हैं पिक्चर आपका प्रेजेंट हो गया। हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे ये आपको विजिबल हो पावे टोटली। आप देखें जैसे ही हमने इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक किया, हमारे सामने जो इंसर्ट मेनू रिबन था वो क्लोज हो गया और फॉर्मेट पिक्चर से रिलेटेड जो टोटल फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट रिबन आ गया आपके सामने। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट इमेज में एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्ट टैब है आपका, पिक्चर में स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए पिक्चर स्टाइल टैब है, अरेंज टैब है, साइज टैब है। यहाँ से हम इसको एक एक करके हम समझते हैं और पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। यदि हमारे पास ऐसी इमेज है जिसका बैकग्राउंड जो है वो एक सेम कलर में है तो बहुत ही आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे और ये आप नीचे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और बैकग्राउंड को ले लेंगे, अपना इमेज में ले लेंगे आप इसको, जिससे आपका कंप्लीट इमेज आ जाएगा। और आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा एरिया जितना आपका पिंक कलर में दिख रहा है, मैग्जेंटा कलर में दिख रहा है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो हम इसे भी रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जाकर के इसको रिमूव करेंगे, जितने पर हम क्लिक करते जाएंगे वो रिमूव होता जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये रिमूव हो गया और हम यहां से कीप चेंज कर लेंगे तो आप देखेंगे टोटल बैकग्राउंड हमने आसानी से रिमूव कर लिया। अब हम इसमें कोई भी फॉर्मेट, कोई भी शेप लगा सकते हैं जिससे हम इसमें चेंजेस, जैसे हमें इसको सेव फॉर्मेट में डालना है, किसी भी सेव फॉर्मेट में, किसी भी फ्रेम में हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। पिक्चर में कोई भी स्टाइल यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत टाइप की स्टाइल्स है, जिस भी स्टाइल में हम इसको मैनेज करना चाहते हैं उस स्टाइल में हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बॉर्डर्स को कोई भी कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर्स को कलर भी दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जो बैकग्राउंड पहले से अवेलेबल था उस बैकग्राउंड को हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, हम जिस भी शेप में इसको चाहे जिस स्टाइल में। आप देख पा रहे हैं पिक्चर स्टाइल टैब है आपका, इसमें जिस स्टाइल में हम पिक्चर को रखना चाहते हैं उस स्टाइल में हम पिक्चर को रख सकते हैं। इस तरह से अगर बॉर्डर को हमें कलर करना है तो हम यहाँ से जाकर के बॉर्डर को कलर भी कर सकते हैं। अगर हमें इसमें पिक्चर इफेक्ट प्रोवाइड करने हैं, शैडो के साथ हमें इसको देना है, तो हम इसमें हल्का सा शैडो भी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं पिक्चर का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर पिक्चर का लेआउट बदलना है तो अभी लेआउट यहाँ हम इसको यूज नहीं करते हैं, अभी मैं आपको स्मार्ट आर्ट के
साथ इसका यूज बताऊंगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट मेन्यू है ये इलस्ट्रेशन टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑब्जेक्ट सभी ऑप्शंस के लिए ये फॉर्मेट है। तो जहां जिसकी आवश्यकता है उसको हम अप्लाई करते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहते हैं तो इमेज करेक्शन हमारे पास आ रहा है, इसमें कोई भी इमेज करेक्शन में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इमेज में करेक्शन करना चाहते हैं तो इमेज करेक्शन आप यहां से कर सकते हैं। यहां से लाइट करना चाहते हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं इमेज को उस फॉर्मेट में आप चेंजेस कर सकते हैं। यहां से अगर हम इसमें कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं, कलर फॉर्मेट में देना चाहते हैं, तो इसको हम यहां से कलर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस भी कलर में हम देना चाहते हैं वो कलर हम यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा सा लाइट आ गया और भी अट्रैक्टिव हो गई है इमेज, तो हम यहां से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहां आप देखिए अगला ऑप्शन है आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। अगर हम इस इमेज में आर्टिस्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो कोई भी इफेक्ट हम यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रीव्यू आपको मिल जाएगा, यदि आपको वो अच्छा लग रहा है तो उस इफेक्ट को आप यहां पर डालें, अन्यथा न डालें। जैसे हमने इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट भी प्रोवाइड कर दिया, तो आपने देखा रिमूव बैकग्राउंड हम कैसे कर लेते हैं। अगला ऑप्शन आपने करेक्शंस देखा, करेक्शन से डायरेक्टली हम यहाँ ब्राइटनेस कंट्रास्ट को डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, शार्पन सॉफ्टन वगैरह हम कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर करेक्शन ऑप्शन होता है जहां से जाकर के हम पिक्चर में और एक्स्ट्रा करेक्शंस करने हैं, जैसे शार्पनेस हमें बढ़ाना है तो यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये शार्पनेस बढ़ गई, जितना इफेक्टिव हमें इसको जितना शार्प करना है उतना शार्पन फॉर्मेट हम अप्लाई कर लेते हैं। अगर हमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट को मैनेज करना तो यहाँ से डायरेक्टली हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज हम लिमिट में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्राइटनेस को हमने कर लिया, यहाँ से हम कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट बढ़ेगा तो इमेज का लुक थोड़ा सा और बढ़ेगा। यहाँ से ब्राइटनेस थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे हम तो आप देख पाएंगे इमेज का जो इम्प्रेशन है, इमेज का जो आउटलुक है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और ब्राइटनेस को कम ज्यादा हम कर सकते हैं। हम लिख करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से भी इस स्लाइडर के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आपने कोई भी चेंजेस किया हुआ है और डिफॉल्ट फॉर्मेट में आप डालना चाहते हैं तो आप रीसेट कर दें, तो जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेते हैं। तो आप एक एक करके जरूर चेक कर लेंगे, कुछ है नहीं, सब आपका प्रीव्यू में मिलता रहेगा। यहाँ से अगर हम फिल लाइन देना चाहते हैं, लाइन कलर वगैरह करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। सॉलिड कलर या ग्रेडियंट कलर, कोई भी कलर फिल करना है तो हम ग्रेडियंट, आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में ग्रेडियंट्स आ गया। ग्रेडियंट्स का हम कलर चुनना चाहते हैं तो कोई भी कलर हम यहाँ से ग्रेडियंट्स को डाल सकते हैं, ग्रेडियंट्स कलर इफेक्ट आ जाएगा। मतलब अपने पिक्चर को आप जितना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं उतना इफेक्टिव आप बना सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट व्यू डालना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट व्यू आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके टेक्स्ट व्यू के फॉर्मेट्स हैं, कोई भी टेक्स्ट व्यू फॉर्मेट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से आप दे सकते हैं। यदि पैटर्न्स क्रिएट करने हैं या पिक्चर्स लाना है तो आप फाइल के माध्यम से वो भी ला सकते हैं, बिकॉज हम पहले से पिक्चर ले रखे हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा पिक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें इफेक्ट डालना है जैसे शेडो इफेक्ट है, रिफ्लेक्शंस है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह हमें बढ़ाना घटाना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। साइज को मेंटेन करना है, आप देख रहे हैं ब्लर करना है इमेज को तो ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ से एंगुलर हमें चेंज करना है, डायरेक्शंस चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस बढ़ाना है, अगर हमें डिस्टेंस इधर चेंज करना है, डिस्टेंस बढ़ाना अपने इमेज का तो हम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन वगैरह देना दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको पिक्चर स्टाइल में मिल रही है सो हमें यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं है। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर स्टाइल में हर एक प्रकार की पिक्चर की स्टाइल आपको मिल जाए। मैंने कलर बताया कि डायरेक्टली आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर इफेक्ट पर आप जाना चाहते हैं वो कलर इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जिस भी कलर स्टाइल में आप इमेज को रखना चाहते हैं उस कलर स्टाइल में वो इमेज आपका आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो भी इफेक्ट हम डालना चाहते हैं वो इफेक्ट हम यहाँ से डाल देते हैं पिक्चर्स में। फिर आप देखेंगे यहाँ से कंप्रेस पिक्चर करना है, अगर पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं और यहाँ से आप कंप्रेस करके ओके करेंगे तो इमेज थोड़ी सी आपकी कंप्रेस हो जाएगी, फिट हो जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा एरियाज उसमें कम हो जाएंगे। वो इमेज आप
अलग अलग टारगेट पार्ट के लिए आप कंप्रेस कर सकते हैं, चाहे आपको एसडी फॉर्मेट में करना है, प्रिंट फॉर्मेट में, वेब फॉर्मेट या ईमेल फॉर्मेट में करना है, उस पीपीआई में उसका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। रेजोल्यूशन कम होगा तो इमेज का जो साइज है वो कम हो जाएगा। पीपीआई में हम उसको मापते हैं पिक्सल पर इंच, तो इस तरह से आप उसमें चेंजेस प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से अपने पिक्चर को कंप्रेस करके कहीं भी भेजना होता है, पिक्चर की साइज ज्यादा है, जैसे आप ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें आपको पिक्चर लगाना होता है, तो पिक्चर की साइज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेजोल्यूशन कम कर लेते हैं, और उसकी जो साइज है जैसे वो 1 MB की या 2 MB की है तो और कम साइज में उसको कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देखें, चेंज पिक्चर। डायरेक्टली पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, चेंज पिक्चर पर चले जाएंगे। ऑनलाइन यदि आप हैं तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स लोड कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन के लिए कई सारे ऑप्शंस आ गए। अगर यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर लाना चाहते हैं तो ये आपके पास सर्च बार है, या अपने ड्राइव से आप ले करके रहना चाहते या अपने ओपन ड्राइव पर्सनल ड्राइव से आप ओपन करना चाहते हैं इमेज को, तो अभी आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लाना चाहते हैं तो फ्रॉम फाइल हम यहाँ से ब्राउज करें और अपने फाइल से, तो अपने फाइल से हम कोई भी इमेज डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। आप देखें इस तरह से इमेज उसी इमेज पर चेंज हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं उसी शेप में आपका इमेज आ गया। यदि इमेज की साइज को हमें रीसेट करना है तो यहाँ आप देखें कई सारे, एक है रीसेट पिक्चर और एक रीसेट पिक्चर एंड साइज, उसकी साइज और सेटिंग्स को हम सेट करते हैं, जो डिफॉल्ट साइज होगी उसकी वो डिफॉल्ट साइज में आपका पिक्चर यहाँ से आ जाएगा। आप देख रहे हैं रीसेट पिक्चर करेंगे तो पिक्चर रीसेट हो जाएगा, अगर साइज के साथ रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पिक्चर एंड साइज करेंगे तो आपका पिक्चर ओरिजिनल साइज में आ जाएगा जो उसका डिफॉल्ट उसकी साइज है। अब आप देखें ये पिक्चर स्टाइल है, इसमें कई टाइप की स्टाइल्स हैं, पिक्चर को आपको उसमें सेटअप करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ ले जाएंगे, आपको प्रीव्यू मिलता रहेगा, उसमें पिक्चर को आप सेट कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं जिस तरह के इफेक्ट में आपको पिक्चर को डालना है। इतने ही नहीं, आप यहाँ जाएंगे कई सारे ऑप्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस के ऑप्शन है, कई सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने पिक्चर को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप देख पाएंगे ये इफेक्ट में आपका पिक्चर आ गया, इसकी एक अलग स्टाइल, अलग अलग स्टाइल में आपको इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जो फॉर्मेट रिबन था वो एब्सेंट हो गया, क्यों एब्सेंट हो गया, क्योंकि वो पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए आया हुआ था और पिक्चर से मेरा सिलेक्शन हट गया है। यदि हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो फिर से वो आपका फॉर्मेट रिबन प्रेजेंट हो जाएगा, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यदि इसमें हम बॉर्डर, पिक्चर का बॉर्डर जो है वो अगर कलरफुल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर की विड्थ को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम यहाँ से विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं, जो इफेक्ट हमने लगाया हुआ था उसी इफेक्ट में इसका विड्थ भी, आपके बॉर्डर का विड्थ बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर हम पिक्चर इफेक्ट्स जो हम डायरेक्ट स्टाइल से दे रहे थे वैसे इफेक्ट्स हम अलग अलग करके यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं पिक्चर्स में, तो जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यदि हम पिक्चर्स में ग्लो डालना चाहते हैं तो इस ग्लो का इफेक्ट हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्लो में कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, ग्लो कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मोर ग्लो कलर्स में चले जाएं और यहाँ से कोई भी कलर इफेक्ट आप उठा लेंगे और ग्लो आपका पिक्चर का ग्लो फॉर्मेट कलर उसे ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम पिक्चर इफेक्ट्स को यूज करते हैं। यहाँ से पिक्चर लेआउट, तो जब हम स्मार्ट आर्ट आपको बताएंगे तो उसके लेआउट्स को हम यहाँ से समझेंगे। आप देखें अगला ऑप्शन है पोजिशन। अगर अपने पिक्चर को, अपने पिक्चर यदि हम जो इंसर्ट पिक्चर है आपका उसकी पोजिशनिंग करना चाहते हैं, उसको अपने पेज में सेट करना चाहते हैं तो हम यहां से उसकी पोजिशनिंग कराएंगे। आप देख पोजिशन में चले जाएंगे, आपको ये मालूम हो कि जो अलाइन होता है वो पेज में टू टाइप अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, जिसमें जिसे वी अलाइन एंड एच अलाइन कहते हैं। वी अलाइन में आपका टॉप, मिडिल एंड बॉटम होता है और एच अलाइन में आपका लेफ्ट, सेंटर एंड राइट होता है। तो अपने इमेज की पोजिशनिंग हम पेज में लेफ्ट टॉप कर लिया, मिडिल सेंटर कर लिया, टॉप सेंटर कर लिया एंड टॉप राइट कर लिया। इसी तरीके से मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, पेज में जा रहा है ये पोजिशनिंग। अगर हम टेक्स्ट के साथ भी करना चाहें, अब देखिए ये बॉटम लेफ्ट में हो गया, आप थोड़ा सा एलिवेटर को ड्रैग करेंगे नीचे, आप देखेंगे बॉटम में आ गया आपका और बॉटम में लेफ्ट में है ये। बॉटम सेंटर करना चाहते हैं
तो बॉटम सेंटर हो गया, बॉटम राइट करना चाहते हैं तो बॉटम राइट आपने कर लिया। अगर हम टॉप लेफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, टॉप लेफ्ट हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि पेज के टॉप लेफ्ट में आपका इमेज आ गया है। इसी तरीके से अगर इमेज की पोजिशनिंग हम टेक्स्ट के साथ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट प्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ एक हम फार्मूला यूज करते हैं रैंडम। अगर हमें टेक्स्ट लाना है तो हम यहाँ रेंड करते हैं, आप देख पा रहे हैं इस तरह से टेक्स्ट आ गया और हम रैंडम टेक्स्ट ले लिए हैं। अब हम पिक्चर की पोजिशनिंग कराएंगे। जब हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट रिबन पर जाएंगे और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अगर इन लाइन चाहते हैं तो लाइन में आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आपका जो पिक्चर है वो चारों तरफ टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेगा, टाइट करेंगे तो और एडजस्टमेंट हो गया है। चूंकि पोजिशनिंग में हमने टॉप लेफ्ट दे रखा है इसके लिए यहाँ पर यार हम बीच में ले लेते हैं इमेज को, तो आप देखेंगे कि पिक्चर जो है आपका टेक्स्ट जो है वो बीच में आ रहा है आपका। हम यहाँ से इनलाइन कर लेंगे तो जिस हिसाब से हम इसको मैनेज करना चाहेंगे उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इनलाइन फॉर्मेट है ये आपका है स्क्वायर है। स्क्वायर में हम जब इसको सेट करेंगे टेक्स्ट को लाएंगे, देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्वायर का मतलब है कि चारों तरफ को टेक्स्ट को मैनेज कर देना, तो इस तरह से चारों तरफ टेक्स्ट आ गया। अगर हम टाइट करेंगे तो टेक्स्ट जितना एडजस्टेबल होगा उतना एडजस्ट हो जाएगा। आप देखेंगे अगला ऑप्शन है थ्रो कर लेंगे तो इस तरह से जो टाइट का फॉर्मेट है सेम उसी तरीके से आपका थ्रो का फॉर्मेट है। यहां से हम टॉप बॉटम कर लेंगे तो टेक्स्ट आपका टॉप में चला जाएगा इमेज के और बॉटम में चला जाएगा। बिहाइंड करेंगे तो इमेज जो आपकी होगी जो पिक्चर होगी वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट अप करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा और इसको कहीं भी ले जाकर के व्यवस्थित कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी पिक्चर लेते हैं और आप उसको सेलेक्ट करके कहीं ड्रैग करना चाहते हैं तो पिक्चर ड्रैग नहीं कर पाते आप क्योंकि वो इंडेंट्स के फॉर्मेट में होता है। तो आप यहां जाएंगे इन फ्रंट ऑफ कर लेंगे रैप टेक्स्ट में जाकर के तो आसानी से पिक्चर को आप कहीं भी पोजीशन कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से हम यहां इसको ड्रैग कर रहे हैं। इसमें अगला ऑप्शन है आपका हम थ्रो कर लेंगे चारों तरफ, हम थ्रो कर लेंगे चारों तरफ आपके टेक्स्ट आ जाएंगे। इसमें अगला ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट, रैप पॉइंट जनरेट हो जाएगा जिससे आप टेक्स्ट को मोड़ सकते हैं जिस भी स्टाइल में चाहते हैं। आप मैनुअल तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं, आप देखें जहां भी आप ड्रैग करना चाहते हैं वहां पॉइंट जनरेट हो जाता है। इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप एक अलग स्टाइल में या अलग फॉर्मेट में इसको कर सकते हैं। इसको एक इफेक्ट्स में आप इसको जैसे हमने इसको मिला दिया, ये भी हम यहाँ पर थोड़ा सा सीधा करेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर आपका इमेज दिखने लगेगा। इस तरह से हमने इसको यहाँ किया और इसे भी हम ला करके यहाँ पर इस पॉइंट को भी या ये पॉइंट भी हम सीधा कर ले रहे हैं। आप देखें इस इफेक्ट में आ गया, आप देखेंगे ये भी हमने पॉइंट उठाया और इसको भी हम थोड़ा सा सीधा करेंगे और यहाँ से इसको उठाएंगे, इस तरह से हम मिला देंगे। मीन्स जहाँ भी हम चाहें उसी तरह से हम मैनेज कर पाएंगे। इसे बोलते हैं एडिट रैप, एडिट रैप रैपिंग को हम एडिट कर सकते हैं। जहां से मोड़ना चाहते हैं टेक्स्ट को वहां से हम मोड़ सकते हैं, उतना नजदीक अपने इमेज के नजदीक ला सकते हैं। तो ये सब आप प्रैक्टिकल में चेक करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी अगर मैं बहुत ज्यादा डीपली बताने का प्रयास करूंगा। सो आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ से हम रैप पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे सेट एज डिफॉल्ट लेआउट, ये डिफॉल्ट लेआउट आप मैनेज करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट लेआउट के फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। अगला ऑप्शन आप देखेंगे अगर हमारे पास एक से ज्यादा शेप्स हैं तो हम उसके साथ इसको यूज करेंगे। जैसे हम शेप यहाँ से ले लेते हैं, कोई हम यहाँ से कोई शेप ले लिए और शेप हमने इस पर प्रेजेंट करा इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं। हम कोई एक शेप और ले ले रहे हैं, एक शेप हम और बना ले रहे हैं और शेप में हम थोड़ा सा अलग इफेक्ट डाल देते हैं यहां से। अब आप देखेंगे कि अगर हम इसे यहां से सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप बैक चला जाता है, आप देख पा रहे हैं ये एक स्टेप बैक गया है, और फिर बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप बैक और चला जाएगा। अगर हम डायरेक्टली इसको सब ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे और जितने भी
आपके सेप्स होंगे, पिक्चर्स होंगे, उनके ऊपर डायरेक्टली ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो यहाँ फ्रंट के लिए हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप आना है। और हम यहाँ से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अगर हम कोई भी फॉर्मेट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने पिक्चर रखा अपना, ये शेप मैंने यहाँ रखा और इसको हमने बिहाइंड टेक्स्ट भेज दिया, बिहाइंड टेक्स्ट चला गया। अगर हम इसको ऊपर नॉर्मली यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, तो आप देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर वो नहीं आ रहा है। अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर लाना है, हम ब्रिंग टू फ्रंट भी करेंगे तो भी टेक्स्ट के ऊपर वो नहीं आएगा। अगर टेक्स्ट के ऊपर आना है हमें, अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर लाना है तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तब फिर ये टेक्स्ट के ऊपर आ पाएगा। सिलेक्शन पैन लेते हैं, यहाँ से जो भी हमने ले रखा है डायरेक्टली हम यहाँ से उसका सिलेक्शन मैनेज कर सकते हैं। सो ऑल करेंगे, सो ऑल आपके सामने है, हाइड ऑल कर देंगे तो सब यहाँ से हिडन हो जाएगा, सो ऑल कर देंगे तो फिर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वर्क कर पाएंगे। हम यहाँ सेप को फिर से सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पर आते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट का काम करना है, तो अलाइनमेंट के लिए हम तीनों सेप को अपने सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट करेंगे तो सब लेफ्ट पाथ में चले जाएंगे। जैसे भी पोजिशनिंग हमें करना है, हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो जो एक मेन टारगेट आपका इमेज होगा उसी के लेफ्ट राइट सेंटर आपका ये व्यवस्थित हो जाएगा। इस तरह से टॉप मिडिल बॉटम में अगर हमें करना है तो देखिए सबकी पोजिशनिंग, टॉप का जो एरिया है सबका एज है वो सबका सेम होगा, मिडिल एज जो है उसका सबका मिडिल फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अलाइनमेंट जो है वो टू टाइप होता है, वी अलाइन एंड एच अलाइन, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ चला गया और वर्टिकल, ये इमेज के साथ हम बताएंगे आपको तो वो ज्यादा आपके समझ में आने वाला है। सो इस तरह से एक एक ऑप्शन को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रुप में हम आ सकते हैं, यहाँ से ग्रुप कर लें और हम बाहर फिर क्लिक करें और किसी एक को भी सेलेक्ट करेंगे तो सब एक ग्रुप में होंगे। इसे ग्रुप कहते हैं, ग्रुप मतलब होता है समूह, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बने हैं, एक से ज्यादा शेप्स बने हैं, उनको आप सेलेक्ट ऑल करके फिर आप ग्रुप कर सकते हैं। जो हमने ग्रुप कर लिया, इस ग्रुप को हमें तोड़ना है तो हम अनग्रुप कर सकते हैं और बाहर हम क्लिक कर देंगे, फिर हम एक एक को अलग अलग कर पाएंगे। इस तरह से जैसे हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि हम यहां से अलाइन से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इधर उधर कर सकते हैं आप यहां से, और हॉरिजॉन्टल भी मैनेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रोटेट, यहां से रोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं 90 डिग्री, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं। यहां से मोर रोटेशन पर जाएंगे और यहां से यदि आप पोजीशनिंग पर हैं, पोजीशन हो जाएगा, रैप पर करना चाहते हैं रैप हो जाएगा, साइजिंग करना चाहते हैं तो यहां से आप रिसाइजिंग कर सकते हैं, रोटेशन करना चाहते हैं तो आप यहां से करेंगे, साइज को मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहां से करके ओके करेंगे, साइज भी बढ़ेगी और रोटेट, इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्रॉप करना, इमेज आपने ले रखा है तो आप इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं यहां से, इस तरह से हम इसमें से एक को हटा देना चाहते हैं, क्रॉप कर लिया हमने, एक इमेज आपका यहां से हट जाएगा। यहां पर देखिए क्रॉप में एक ऑप्शन, यहां से क्रॉप क्लिक कर देंगे, क्रॉप हो जाएगा ये आपका, ठीक। इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप में आप देखेंगे क्रॉप शेप्स, अगर आप किसी भी शेप फॉर्मेट में क्रॉप करना चाहते हैं तो सेव फॉर्मेट में क्रॉप कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको सेव जनरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सेव फॉर्मेट तुरंत चेंज कर सकते हैं, जिस भी सेव में आपको अपने इमेज को परिवर्तित करना है उसे सेव क्रॉप कहते हैं और डायरेक्टली हम सेव कर सकते हैं। यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो, रेशियो मैनेज किया जा सकता है। क्रॉप में फिल ऑप्शन है, यहाँ से फिल किया जा सकता है, फिल फॉर्मेट में जितना आप इसको बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं, जितने छोटे में इसको आप फिल करना चाहते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं उसी के अंतर्गत आप इमेज को, बाहर क्लिक कर देंगे और उसमें वो फिट होकर के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमने क्या किया, सेव फॉर्मेट में इसको परिवर्तित कर लिया, जिस भी सेव फॉर्मेट में इसको छा रहे थे। यहां से हाइट विड्थ बढ़ा लेंगे, यहां से हाइट
यहाँ से आप देख रहे हैं ये हाइट बढ़ जाएगा और यहाँ से विड्थ भी बढ़ जाएगा। इस तरह से अपने शेप को हम साइज दे सकते हैं और उसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट मेनू। शेप्स के साथ इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, आप देखेंगे शेप्स में शेप्स आ जाएगा, एडिट शेप आ जाएगा, आपका शेप की एडिटिंग आप कर सकते हैं। तो शेप के साथ हम इसे एक बार फिर से आपको जरूर बताएंगे। तो पिक्चर के साथ अभी मैं बता रहा था आपको, तो पिक्चर रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट ऑप्शन है उसको आपने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जो नियरेस्ट है हमारे इंस्टीट्यूट के वो सेंटर पे आके इसको और डीपली पढ़ सकते हैं। वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। तो शायद आपको फॉर्मेट कम्प्लीटली समझ में आया होगा गाइस। तो अगला ऑप्शन हम देखें, चलते हैं इंसर्ट पर। अगला ऑप्शन हम ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन है, मैंने भी आपको बताया इसके बारे में कि हम ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से जाकर के ऑनलाइन ले सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए मैंने आपको भी बताया, यदि नेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो जो ऑनलाइन पिक्चर्स हैं यहाँ से आप ऑफलाइन पिक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम नेट को डिसकनेक्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे जब हम यहाँ पर जाएंगे, अभी नेट का फॉर्मेट दे रहा है, जब हमारा नेट डिसकनेक्ट होगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्क ऑफलाइन जा करके हम पिक्चर्स को डायरेक्टली यहाँ से ला सकते हैं। इस तरह से हम पिक्चर्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स को हम यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं ऑफलाइन से मोड में, अपने कंप्यूटर से हम किसी भी पाथ से किसी भी डेस्टिनेशन से हम इसको ला सकते हैं। इस तरह से अगर हम ऑनलाइन होते तो डायरेक्टली ऑनलाइन हम जाते और इमेज वहां से हम ला सकते थे। अपने ड्राइव पर अगर हमने सेव कर रखा है तो हम अपने ड्राइव से भी ला सकते थे। तो इस तरह से हम पिक्चर्स को यूज करेंगे और पिक्चर्स के साथ कंप्लीट फॉर्मेट को हम इस तरीके से यूज करेंगे। गाइज आज हम वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी ना हो जाए इसके नाते से हम वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे आगे के ऑप्शंस को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।